हो रही है और बारिश ने लोगों की मुसीबत में इजाफा किया है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आपके सामने जो देश के अलग अलग हिस्सों की हैं, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद क्या हालात हैं ये देखिए, किस तरह से हर तरफ पानी नजर आ रहा है। झारखंड के दुमका में सड़कें दरिया बन चुकी हैं, बिहार के मुंगेर में मंदिर में पानी घुस गया है, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पानी के तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा टूटता हुआ दिखाई दिया, पश्चिम बंगाल की हुगली में बाढ़ के बीच कई लोग कंधे तक पानी में फंसे हुए दिखाई दिए, उत्तर प्रदेश के इटावा की अगर बात करें तो सड़कें ही नहीं घरों में भी पानी जा घुसा। तो ये अलग अलग तस्वीरें आसमानी आफत के बीच बने हालात की। चलिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बीच अब सड़कें नजर नहीं आ रही हैं, जिधर भी नजर जा रही है पानी ही पानी है। हालात ये कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के लिए कितनी मुसीबत बढ़ गई है। अंदाजा लगाइए कि कानपुर के लोग कितनी मुसीबत में हैं और कैसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम 10 गांव का आदमी प्रभावित है इससे। पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। बंगाली कॉलोनी, छीतेपुर, गमीरपुर, कलापुरवा, बनपुरवा, सब पूरा आ जा रहे हैं। इसी नाव से आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत परेशानी है, समझ लो आप, सब गांव में पानी भरा हुआ है, कहीं भी जगह नहीं निकलने की। और अगली तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां आसमान से बरस रही मुसीबत ने हाहाकार मचा दिया है। जिधर नजर डालिए सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कें गायब हो चुकी हैं, घरों के अंदर और बाजार में पानी भर चुका है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। आसमानी आफत की वजह से लोग अब परेशान हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जाएं तो जाएं कहां। पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। दारागंज का हर कोना जो है पानी से घिरा हुआ है और ये पानी कल से निरंतर हर 5 मिनट पे बढ़ता जा रहा है। अपना सामान ले लेकर रात से भी सुबह तक जो है और नाव के द्वारा सब अपने घर लेते जा रहे हैं। यहाँ जो है काफ़ी पानी आ गया है, जिसमें जो है कि छोटा वगाड़ा पानी के डूबने के कगार पे है। दारागंज के किनारे पे भी बहुत ज़्यादा पानी लग गया है, जिसके वजह से लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है। इटावा का हाल प्रयागराज से कुछ अलग नहीं है। यहाँ सड़कें तो सड़कें, लोगों के घरों में भी जा घुसा है पानी। वहां के कई इलाकों से आ रही तस्वीरों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। चाहे मेन रोड हो या फिर कोई गली, ऐसी कोई जगह नहीं जो पानी ने छोड़ी हो, जहां भी उसने अपना दबदबा ना बना रखा हो। गाँव पूरा डूब गया, पूरा बाढ़ आ गई है, सामान ये रोड पड़ा है, रहने का व्यवस्था नहीं है, कहाँ रहे, सामान सब भूखे प्यासे घूम रहे हैं रोड पे। दिक्कतों का सामना तो है ही, अगर पानी और बढ़ता है इससे ज़्यादा तो और परेशानी गांव हो सकता है खाली करना पड़े। और काफ़ी घर बेघर हो चुके हैं, जो निचले स्तर पे थे वो लोग बेघर हो गए हैं, अपना सामान ऊंचे जगह पे ले जा रहे हैं। चंबल और यमुना इस समय दोनों ही नदियों में जलस्तर जो है खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। और चकरनगर के हमारे तहसील के कुछ गाँव, करीब 7-8 गाँव अफेक्टेड हैं, उनमें तैयारी पूरी है। और अब आपको बिहार में जल तांडव की तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार में हुई तेज बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान को क्रॉस कर चुकी है। छोटी नदियां पहले से तटबंध तोड़कर तबाही मचा रही हैं और अब गंगा का पानी नेशनल हाईवे पर बह रहा है, जिसकी वजह से पटना से बिहार शरीफ का संपर्क भी टूट चुका है। बिहार के कई हिस्से में लगातार हुई भारी बारिश से बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और यह तस्वीर पटना से सटे दनियावां इलाके का है, जहां पर NH 30A पर पानी आ गया है। ऐसे में एहतियात के तौर पर इस हाईवे को बंद कर दिया गया है। पटना से दनियावां होते हुए बिहार शरीफ को जोड़ने वाली ये सड़क पूरी तरीके से बंद है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं सामने पानी भरा हुआ है। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं फल्गु नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी चला गया है। ऐसे में जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और
मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के कई जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर एक बार फिर से बारिश अगर शुरू होती है तो फिर क्या आलम होगा और जहां पानी भर गया है वहां के रहने वाले लोग किस हालात में रहेंगे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं फल्गु नदी उफान पर है और ऐसे में जो ये इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और ऐसे में जब NH पर पानी पहुंचा है तो इसे एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। बिहार के कई इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं। मुंगेर की अगर बात करें तो बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और नदी का पानी एक मंदिर में जा घुसा। मंदिर के गर्भगृह में करीब 3 फीट तक पानी भर गया। हालांकि अभी कोरोना की वजह से मंदिर बंद है और इसलिए वहां लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगी हुई है। अभी हम लोग इसलिए करते हैं कि किसी भी प्रकार की पूजा में विघ्न ना हो और माँ के नेत्र में जब स्पर्श करने लगती है माँ गंगा, जब दोनों माँ आपस में मिलन करने लगती है उस समय हम लोग नहीं आते, तब पट बंद कर दिया जाता है। अभी तो COVID-19 के अंतर्गत ऐसे भी जन समूह के लिए तो पूजा अर्चना बंद है, माँ के मुख द्वार पर होती है और हम सिर्फ पंडा जो 2 पंडा सुबह और 2 पंडा शाम में माँ का श्रृंगार करते हैं वही। अभी कितना पानी होगा माँ? लगभग अभी आपको मान के चलिए कि लगभग 2.5 फीट के करीब मंदिर में मान के चलिए। उधर झारखंड के दुमका में बारिश की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर से लेकर गांव तक की जमीन जलमग्न होती हुई दिखाई दी। नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से कई मकान गिर गए। बारिश के रुकने के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इलाके में जमा पानी जस का तस बना हुआ है। मकान गिर जाने की वजह से कई लोग बेघर हो गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए झारखंड के दुमका की ये तस्वीर, जहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और मुसीबत इसलिए क्योंकि लोगों के घरों तक भी जा पहुंचा है पानी।